काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है आपको बतानी है गाइस गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू माय ब्लॉग और गाइस कितने दिनों से मुझे व्लॉग अपलोड करनी थी बट हो ही नहीं पा रहा था बट आज मैंने ठा नहीं लिया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं कितनी भी टायर्ड रहूँ मुझे तो व्लॉग बनानी है और अपलोड करनी है तो फाइनली आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ आज अपलोड करने वाली हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपको थमने और टाइटल देख के पता ही गया होगा कि आज का ब्लॉग किस टॉपिक के ऊपर है तो यस गाइस, आई एम प्रेग्नेंट विद पी सोस एंड बेबी ऑन द वे मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ काफ़ी नर्वस हूँ काफ़ी हैप्पी हूँ आपको ये गुड न्यूज़ बताते हुए मुझे कब से बताना था आपको जब मैंने वो टू पिंक्स लाइन देखे मुझे तब से ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी बट आपके घर में बड़े मामा, सिस्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं इतनी जल्दी ये न्यूज़ नहीं बताते हैं हालांकि आपके डॉक्टर भी आपको यही सलाह देते हैं कि जब तक कि आप आपके थ्री मंथ्स या फोर मंथ्स कंप्लीट नहीं कर रहे थे तब तक आपकी प्रेगनेंसी है जो ऑफिशियली कंफर्मेशन उसको नहीं मिलता है तो यही वजह थी जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई इतने दिनों तक कि यस आई एम और और मेरे काफ़ी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स मेरी सिस्टर्स कमेंट्स के जरिए मुझे पूछते थे दी क्या हुआ आपके नेक्स्ट ट्रीटमेंट के बारे में आप कुछ भी नहीं शेयर कर रहे हो आप कुछ भी अपडेट्स नहीं दे रहे हो रिज़ल्ट के बारे में नहीं बता रहे हो क्या आपने कंसीव किया है तो मेरा तो मन कर रहा था कि बस कमेंट के ज़रिए मैं आपको बता दूँ कि हाँ मैंने कंसीव कर लिया है लेकिन वो पॉसिबल नहीं है मैं कमेंट में इतनी सारी बातें आपके साथ शेयर नहीं कर सकती और वो भी हर एक को नहीं बता सकती तो वीडियो एक ज़रिया है जिसके ज़रिए मैं आपके साथ अच्छी तरह से बातें कर सकती हूँ तो वो पॉसिबल तो नहीं था और मेरा जो फर्स्ट टाइम अस्टर रहा वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा है मैं काफ़ी टेंस थी उस वक्त और काफ़ी सिम्टम्स की वजह से मैं परेशान भी थी और मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो मेरे प्रेगनेंसी को लेकर क्रिएट हुए थे आ, मुझे क्यों डॉक्टर ने बेड रेस्ट पे रखा था वो सब 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 बातें मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में शेयर करने वाली हूँ और आ, मैंने अपने पी में किस तरह से कंसीव किया मेरी क्या ट्रीटमेंट रही मेरा क्या डाइट प्लान रहा आ, मैं, मैंने क्या कुछ अवॉइड किया आ, कौन से योगासना थे जो मैंने आ, करे अपने पी को भगाने के लिए तो आज मैं 18 वीक्स टू डेज़ मेरी प्रेगनेंसी को हो चुके हैं नाइन्टी वीक चल रहा है ट्वेंटी अप्रैल मेरा लास्ट एल डेट था और बाबा जी की कृपा से मेरे जो फोर्थ मंथ रहे वो काफ़ी अच्छी तरह से रहे और आगे भी अच्छी तरह से रहने वाला है बाबा जी की कृपा से और फर्स्ट सेमेस्टर में मैं बेड रेस पर थी और अभी भी मैं बेड रेस पर हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है आपको बतानी है तो एक वीडियो के ज़रिए तो मैं इतनी सारी चीज़ें आपको बता नहीं पाऊँगी उसके लिए आपको डेली मुझसे जुड़े रहना होगा जिस तरह से आपने आ, मेरे फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में आप मेरे साथ रहे हैं उसी तरह से आपको मेरे प्रेगनेंसी जर्नी में भी मेरे साथ रहना होगा और मैं मतलब आज से डेली ब्लॉग अपलोड करने वाली हूँ अभी मेरे लाइफ में क्या चल रहा है मेरे रूटीन क्या है मैं कब उठती हूँ और आगे सब कुछ है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए मेरे साथ मेरे प्रेगनेंसी जर्नी के अपडेट्स के लिए तो आपको कल जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय टेक केयर